हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटीएटा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहार उद्दीन। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज़ करके जितने भी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं तो वो क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं चलता है आइडेंटिटी को किस तरह इंप्लीमेंट करना है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए। वन बाई वन जितने भी क्वेश्चन मैं आपको लगवा रहा हूँ, ये सभी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं या बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन हैं या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स हैं। आप इनको वन बाई वन लगाइए, मैक्सिमम मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको यहीं से मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को दे रखा है कि ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा किसके बराबर है, सी के बराबर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। क्या सर, बच्चे देख के डर जाएंगे, ये कैसा क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ कॉस है तो यहाँ साइन आ रहा है, यहाँ साइन है तो यहाँ कॉस आ रहा है, ए बी सी में आपस में किस तरह से रिलेशन बनाऊँ, इसको बड़ा मुसीबत है किस तरह से सॉल्व करूँ। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कैसे करेंगे मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। देखिए, यहाँ सभी स्क्वायर हैं तो स्क्वायर कब आएंगे, स्क्वायर कर दो। क्या सर, इतनी सिंपल सी बात बता रहे हैं आप, चलो स्क्वायर कर दिया, फिर आगे का क्या करूं, आगे का मैं बताता हूं। देखो क्या करना है, इसका क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। कैसे पता चला स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, स्क्वायर कर दो। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, सी स्क्वायर। देखिए भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं पहले बता चुका हूँ कि सभी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। आप ज़रा सोचिए, इसका स्क्वायर ये है, यहाँ माइनस है और तुम्हें इसका स्क्वायर लाना है, तो इसका स्क्वायर लाने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो वो कैसे बनेगा, देखिए ए स्क्वायर तुम्हें अलग भी करना है, बी स्क्वायर अलग करना है, ए स्क्वायर के साथ ये है, बी स्क्वायर के साथ ये है, तो कैसे अलग होगा, है ना। देखिए आइडेंटिटी पढ़ाई थी मैंने आपने को, क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वन के बराबर। अगर कॉस की वैल्यू साइन में चेंज करनी है तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन की वैल्यू अगर कॉस में चेंज करनी है तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने वाली आइडेंटिटी है ये। तो देखिए, अलग करने के लिए कॉस को आप चेंज कर लो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कि सर कैसे अलग हो जाएगा, अरे भाई इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे अलग हो जाएगा, इसके साथ भी आएगा और साथ लाना भी है इसके। अब इसको भी चेंज करूँ, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर, सी स्क्वायर के, है ना। अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अंदर मल्टीप्लाई करिए तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया माइनस का टू ए बी कॉस थीटा साइन थीटा। अब कुछ समझ में आया, अब खाली क्या करना है अपने को, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, अब खाली अरेंजमेंट करना है इसका। देखो ए स्क्वायर आ रहा है, बी स्क्वायर आ रहा है, सी स्क्वायर आ रहा है, सी स्क्वायर माइनस का आना चाहिए, तो इसको इधर ले लीजिए, बाकी जितने भी टर्म हैं उन सबको उधर ले जाइए। तो बताइए यहाँ कौन है ए स्क्वायर, यहाँ कौन है बी स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो गया, कौन बचा, ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, टेणे टेणे। सर आ गया समझ में, सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अरे भाई बताया तभी तो सिंपल है, आप लोग क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में पहले हाथ पैर फूल जाते हैं अपने, है ना। हाथ पैर फुलाना नहीं है, ट्राई करना है, एटलीस्ट करिए, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सही होने लगेंगे। तो देखो ये फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए और बी, हो गया। तो ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इधर लिख लीजिए, इसको इधर लिख लीजिए, तो ये कौन हो गया, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा
होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ से ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, अंडर रूट में दोनों वैल्यू पॉसिबल है प्लस बी और माइनस बी, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। टेढ़े टेढ़े यही तो लाना था। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।